तो गाइस यार लास्ट वाल गेम प्ले में आप लोगों ने देखा ही थे कि यार मैं असल में गया था सिंचैन को पकड़ने के लिए, पर गाइस यार वहां पर आ गया था वो सबसे बड़ा वाला स्किबिडी। उसने मेरी बहुत बुरी वाली पिटाई लगा दी थी। और गाइस यार तुम्हारे भाई को अपनी आर्मी मिल गई थी, कैमरा आर्मी। यार मैंने उनको कमांड दिया जाओ जाके स्किबिडी टॉयलेट्स को मारो, पर गाइस यार मेरे को अपग्रेड होना था क्योंकि यार मैं नहीं हरा सकता था बड़े वाले स्किबिडी टॉयलेट को। तो इसलिए यार तुम्हारा भाई गया था वेंजर्स के घर पे से एक चीज चुराने। उसको चुराने के बाद तुम्हारा भाई चेंज हो चुका है फाइनली एक खतरनाक कैमरा के अंदर। अरे ये गाड़ी किसकी है? अरे तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो जाकर। ओके ओके गाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, काफी अच्छी रेड कलर की, और कलर में मंगा लेना ठीक है। अरे हाँ जाओ जाओ जाओ। ओके तो चलो गाइस यार हम लोग जाते हैं यहाँ से जल्दी से बाहर। गाइस यार मैं ये कहाँ से निकला भाई? ये अच्छी बात है यार, जो हमारा सीक्रेट रूम है ना उसका दरवाजा कहीं से भी निकल सकता है, पर आखिर मैं यहाँ पर क्यों निकल के आया हूँ? अबे गाइस यार एक सेकंड, सामने कुछ है। अरे यार ये क्या है? ओह ये तो मेरे कैमरामैन टीम है। और दोस्तों क्या हाल है तुम लोगों के? सुमित देखो हमने सबको हरा दिया। ओ शाबाश। ओ गाइस यार देख रहे हो इन्होंने कितने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स को मार डाला। हाँ सुमित ये असल में हमला करने वाले थे लॉस सैंटोस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि इस पुलिस को टेक डाउन करना चाहते थे, पर उससे पहले हमने इसको टेक डाउन कर दिया। शाबाश 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 यार तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो। गाइस यार एक शहर की दो चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, एक होता है पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरा होता है हॉस्पिटल। सबसे ज्यादा आदमी मिलेंगे इन लोगों को हॉस्पिटल में। अगर यार हॉस्पिटल में इन लोगों ने कब्जा कर लिया तो ये अपने जैसे और भी बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट्स बना देंगे। चलो दोस्तों हमें जाना होगा टॉयलेट मॉन्स्टर को हराने के लिए। चलो जल्दी सी हॉस्पिटल चलते हैं, वो वहीं पर मिलेंगे सारे के सारे। गाइस यार अब कोई नहीं बचा सकता टॉयलेट मॉन्स्टर को हमसे, क्योंकि गाइस यार मैं बन चुका हूं टीवी मैन, और टीवी मैन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और तुम लोग मेरे साथ हो तो क्या चीज की दिक्कत? लेट्स गो। सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर यहां पर हमें मिलते हैं टॉयलेट मॉन्स्टर तो एक को भी नहीं छोड़ना ठीक है? ठीक है बॉस लेट्स गो। चलो बस यहाँ पर होने चाहिए। और गाइस जैसा मैंने सोचा था ये रे टॉयलेट मॉन्स्टर, हाय तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे समित भैया फिर से आ गए पिटाई करवाने। नहीं सिंचैन अब मेरे साथ मेरे दोस्त है, जैसे तेरी आर्मी है मेरी भी आर्मी है, अब हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। ओ गाइस यार देख रहे हो, गाइस यार इन्होंने बस तोड़ ही दी थी ये सारी दीवारें। वो तो यार यहाँ पर के सिक्योरिटी गार्ड ने ये शीशे लगा रखे जिससे ये लोग अंदर नहीं घुस पाए। अरे समित भैया हम लोग तुम्हारे आगे खड़े है और तुम कहाँ पर देख रहे हो? बहुत हुआ, मारो इन लोगों को मारो। ये लो, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे समित भैया तुम तो बहुत ताकतवर हो गए हो। एक बार में मैंने सबको मार डाला। अरे बॉस तुम तो काफी खतरनाक हो, अब सिंचैन तू कहाँ जाएगा? अरे समित भैया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये ले तू भी। गाइस यार यहाँ पर हमने सभी के सभी टॉयलेट मॉन्स्टर्स की बैंड बजा दिया। सिंचैन तेरा बहुत हुआ, अब मैं तेरे को लेके जाऊंगा और तुझे अच्छा बना दूंगा मेरी तरह। होगा नहीं ऐसा। अरे गाइस कौन बोलो, ओए इतने सारे टॉयलेट मॉन्स्टर और ये क्या? ओ गाइस यार इन्होंने तो हमारे सारे कैमरामैन को मार डाला। अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तो मैं सभी के सभी टॉयलेट मॉन्स्टर को अकेले ही हरा सकता हूँ। ये लो एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये लो। पर मैं सिंचैन को आज यहाँ से लेके जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, डर गए क्या? भागो यहाँ से, ये हमारे उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है, जो यहाँ रुकेगा वो मारा जाएगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बता देना अपने बड़े वाले स्किबिडी टॉयलेट को कि सुमित आ चुका है एक अलग ही पे पावर के साथ और तुम लोगों की बैंड बजा देगा। हाँ डैश बेबी, कहाँ जा रहे हो? एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। कहाँ जा रहे हो? ये ले गाइस यार सारे तो यहाँ से भग गए डर के। एक ये बचा है, इसको भी अभी बताता हूँ मैं, इसको तो खतरनाक तरीके से मारूंगा। तू यहाँ क्या खड़ा खड़ा देख रहे है? गाइस यार मैंने यहाँ पर सारे सारे टॉयलेट मॉन्स्टर को मार डाला, पर गाइस यार मेरे भी काफी सारे दोस्त शहीद हो गए इस चक्कर में। पर कोई बात नहीं यार, सिंचैन हमें वापस मिल गया। चलो यार सिंचैन को उठाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। चलो गाइस यार यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, सिंचैन को मैंने पकड़ लिया है। अब जाके यार इसको अच्छा बना दूंगा और मेरी हेल्प करेगा फिर सिंचैन, हम दोनों मिलके इन पूरे पूरे टॉयलेट वायरस को मार डालेंगे। लेट्स गो गाइस चलते हैं जल्दी से अपने कैमरामैन के पास। कैमरामैन कहाँ पर हो? जल्दी मेरी मदद करो, मैं सिंचैन को लेके आ गया, इसको नॉर्मल कैसे करना है? अरे एक सेकंड गाइस यार कैमरामैन यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ पर सुमित। कहाँ पर? ओ गाइस यार ये क्या चल रहा है? अबे तुम यहाँ से यहाँ क्यों आ गए? सुमित हमने अपनी जगह चेंज कर ली। ओए क्योंकि हम लोग अब साथ हैं। हाँ यार टीवी मैन हम लोग अब साथ हैं। देखो मैं सिंचैन को लिया है, रुक अभी इसको उतारता हूँ। अरे कैमरामैन देखो मैं सिंचैन को लेके आ गया, अब इसको नॉर्मल कैसे करें? अरे सुमित ये तो इम्पॉसिबल है। क्या मतलब तुम ये कह रहे हो हम लोग अपने सिंचैन को वापस नॉर्मल नहीं कर सकते? प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं सिंचैन के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की जिससे मैं अपने सिंचैन भाई को नॉर्मल कर सकूं, अब तुम ये कह रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है। ओए मैं बताता हूँ एक तरीका है,
क्या है पता टीवी मैन, प्लीज मेरे को बताओ क्या एक तरीका। ओए एक तरीका है पर वो तरीका बहुत ज्यादा दर्दनायक है। यार क्या तरीका है प्लीज मेरे को बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओए लड़के तुझे कुछ नहीं करना, करना कैमरामैन को है। कैमरामैन क्या है ये? अरे समित मुझे लगा कि तुम सिंचैन को बचाना नहीं मारना चाहते हो। मुझे नहीं पता था तुम इसे अब भी बचाना चाहते हो। एक तरीका है सिंचैन को बचाने का पर उसमें मेरी जान चली जाएगी। मतलब तुम्हारी जान चली जाएगी, इसका क्या मतलब है? अरे सुमित मेरे अंदर जो पावर्स है उससे मैं एक ऐसा कैमरा बनाऊंगा जिससे टॉयलेट वायरस मारा जा सकता है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ पर उसमें मेरी जान चली जाएगी। ओए अगर तू चाहता है कि तेरा कैमरामैन मर जाए तो बता, वरना फिर सिंचैन को जाने दे। गाइस यार मैं सिंचैन को ऐसे नहीं जाना दे सकता, सिंचैन मेरा भाई है। अरे समित मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान सिंचैन से ज्यादा कीमती नहीं है, तो मैं मेरा बलिदान दे देता हूँ और उसके बाद तुम्हें एक ऐसा कैमरा मिलेगा जिससे तुम टॉयलेट मॉन्स्टर वायरस को हरा सकते हो और किसी भी इंसान को वापस नॉर्मल बना सकते हो। अरे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कैमरामैन कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। तुम शुरुआत से मेरी मदद कर रहे हो, अगर तुम छोड़ के चले गए तो मेरी हेल्प कौन करेगा? कौन मेरे को बताएगा कि मुझे अब क्या करना है? अरे समित मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना भी बहुत ज्यादा दुखी बात है क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु की तरह, पर टेंशन मत लो टीवी मैन आ चुके हैं ना, टीवी मैन तुम्हारी हेल्प करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कैमरामैन, तुम मरने वाले हो कैमरामैन। ओए लड़के तू टेंशन ना ले, टीवी मैन तेरे साथ है, टीवी मैन भी मारना चाहता है टॉयलेट मॉन्स्टर को। तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ठीक है कैमरामैन हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी कैमरामैन। अरे ये क्या हो रहा है? अरे टीवी मैन ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कैमरामैन के साथ? ओए लड़के वो चेंज हो रहा है एक ऐसे कैमरे के अंदर जिससे तू अपने भाई को ठीक कर सकता है लोंडे। कैमरामैन गाइस यार कैमरामैन ने अपना बलिदान दे दिया मेरी हेल्प करने के लिए, सिंचैन को नॉर्मल बनाने के लिए। और गाइस यार मैं कैमरामैन का बलिदान वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं और टीवी मैन मिलके और साथ में सिंचैन मिलके इन टॉयलेट मॉन्स्टर का खात्मा कर देंगे। और तुम लोग भी मेरे साथ हो ना तो चल इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कैमरामैन हम तुम्हारे साथ है। तो चलो गाइस यार अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं ज्यादा क्योंकि यार टॉयलेट मॉन्स्टर पता नहीं किस कदक्रम में यहाँ पर आ जाए सिंचैन को वापस लेने के लिए, क्योंकि यार सिंचैन असल में उनका मुखिया था, क्योंकि गाइस यार जो सिंचैन है ना उन टॉयलेट मॉन्स्टर का मुखिया था, एक तरीके से आर्मी कंट्रोल करता था। अब उनके पास कोई भी नहीं आर्मी कंट्रोल करने के लिए, तो वो लोग सिंचैन को ढूंढते हुए यहाँ पर आते होंगे। ओए लोंडे ज्यादा बात मत कर, जल्दी से तैयार हो जा, कैमरा ऑन कर और स्टार्ट कर बखेड़ा। ओके तो चलो गाइस यार मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3। ओ गाइस यार मैंने कैमरा ऑन कर दिया और देखो यार सिंचैन के अंदर भी वैसा ही धुआं निकल रहा है जैसा कैमरामैन के अंदर निकल रहा था। ओ देखते यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई यार, प्लीज यार सिंचैन बच जाए। सिंचैन तू वापस आ गया। अरे ये कौन सी जगह है, मैं ये कहां पर आ गया? अरे ये क्या सामने खड़ा है और तुम कौन हो? आ भागो यहां से। ओ सिंचैन रुक, पता नहीं कौन है, मेरा नाम भी जानता है सिंचैन, रुक जा मैं तेरा सुमित भाई हूं। हैं सुमित भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम क्या बन गए? अबे सिंचैन ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, तेरे को कुछ भी याद नहीं है क्या? नहीं सुमित भैया मुझे याद इतना है, बस मैं उस टॉयलेट के ऊपर बैठा था, उसके बाद पता नहीं मैं एक टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया था, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। शायद यार वो धीरे धीरे करके तेरे माइंड के ऊपर भी कंट्रोल कर रहा था। अरे सुमित भैया आखिर यहाँ क्या चल रहा है, इनसे मिल, ये है असल में टीवी मैन और ये अपनी हेल्प करने वाले टॉयलेट मॉन्स्टर को हराने में। और सुमित ये कौन है? ये वो महान आदमी है जिसने अपना बलिदान देके तुझे बचाया। क्या सुमित भैया सच्ची में है? हाँ सिंचैन सच्ची में। अरे सुमित भैया चलो बाहर आते उनको जाकर। नहीं सिंचैन तू ऐसे बाहर नहीं जा सकता यार, क्योंकि एक बार तेरे को टॉयलेट मॉन्स्टर ने पकड़ लिया तो फिर तुझे टॉयलेट मॉन्स्टर बना देगा और तेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। ओए लौंडे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इसलिए हूँ ना यहाँ पर, मतलब मैं इसको पावर्स दे सकता हूँ। क्या सच्ची में तुम इसको भी पावर्स दे सकते हो? ओए लौंडे क्या बात कर रहा है तू भी, मैं असल में कैमरामैन से ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं हूँ टीवी मैन, तू टेंशन क्यों ले रहा है? ओए सिंचैन यल्ला तेरे को भी बना देता हूँ मैं खतरनाक आदमी। अरे समित भैया देखो मेरे साथ क्या हो गया, ओए ये तो कैमरामैन बन गया। अब तुम कैमरामैन की पावर्स भी है तुम्हारे पास? ओए लौंडे क्यों नहीं, कैमरामैन की पावर्स भी है मेरे पास। ओ गाइस यार देख रहा हूं यहां पर सिंचैन कैमरामैन बन गया। आजा सिंचैन अब हम दोनों मिलकर उन सभी
सभी टॉयलेट मॉन्स्टर को हरा देंगे। हाँ समित भैया चलो लेट्स गो, आ रहा हूँ टॉयलेट मॉन्स्टर तुम्हारी बैंड बजाने। ओ गाइस यार देख रहे हो आप लोग, मैं यहाँ पर नहीं था तो यार टॉयलेट मॉन्स्टर ने क्या किया है, ये पूरा मेन एरिया था लॉस सैंटोस का, कितने सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, कितनी सारी बसों को आग लगा दिया यहाँ पर भाई। वाह ये रहा इसकी ऐसी तैसी हाल है, मार डालूंगा सालों को। एक और ये रहा इसको भी मार डालेंगे। गाइस यार ये क्या कर दिया हमारे लॉस सैंटोस का इन्होंने। ओ ये रहा एक और, तू भी ले एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे समित भाई अपनी पावर्स का यूज करो ना। अब कहां पर तू, अरे सिंचन कहां गया तू सिंचन। अरे सुन जा पत्थर के पीछे डरो मत। अबे यार तूने मुझे डरा दिया। ओ चलो गाइस यार एक एक करके इन सबको हरा देता हूँ। सिंचन अभी मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं अपनी पावर्स का ज्यादा ओवर यूज करूंगा ना तो यार मेरी पावर्स खत्म हो जाएगी और जब मुझे जरूरत होगी तब मेरी पावर्स मेरे या यूज नहीं आएगी, इसलिए मैं अपनी पावर्स ज्यादा यूज नहीं कर रहा। अभी इनको ऐसे ही मार देता हूँ ना मिसाइलों से और तोपों से। ये ले समित भी मजा आ रहा है और मारो सालों को। गाइस यार इन्होंने मेरे शहर का क्या हाल बना दिया यार, देख रहे हो कितने सारे प्लेन क्रैश हो गए, कितने सारे मासूम लोग मारे गए होंगे इन प्लेन क्रैशेस के अंदर। पूरे शहर का इन्होंने क्या हाल बना दिया यार, बहुत ज्यादा बुरा कर दिया हमारे शहर का हाल इन लोगों ने। देख सिंचन वहां पर यार बच्चों के पार्क के अंदर कितने सारे टॉयलेट मॉन्स्टर्स है, इन्हें एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। अरे समित भैया इस बार अपनी पावर से मारना। हाँ सिंचन मैं पूरी तरह रिचार्ज हो चुका हूँ, अब इनको अपनी पावर से मारूंगा मैं। आ रहा हूँ तुम लोगों की बैंड बजाने टॉयलेट मॉन्स्टर। एक एक को फेंक फेंक मारूंगा। ये ले हाँ समित भैया मारो साले को और मारो इनको। चलो ये लो। अरे सिंबे ये क्या क्या तुमने। इनको एक को ऐसे उठा उठा कर मारूंगा। हाँ सिंबे और मारो उठा उठा के इनकी चटनी बना दो। ये ले तेरी ऐसी ये ले अभी बता दो सालो, हवा में उठा उठा के मारूंगा सालो को। ये लो तुम लोगों की ऐसी ये ले समित भैया क्या ही बैंड बजा रहे हो, इस वाले को दला दो साले के। ये ले हाँ सिंचन एक को नहीं छोड़ेंगे। Boom, baby! अरे समित भैया मुझे क्यों उठा रहे हो साथ में। अरे अरे माफ करियो सिंचन। गाइस यार सिंचन ठीक तो है ना। अरे समित भैया जूस से निकल गया। मजा आ गया। गाइस ये क्या था, ये किसने हमला किया। गाइस ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ओए भाई साहब ये कौन हमला कर रहा है इतना खतरनाक वाला। सिंचन खड़ा हो। अरे सिंचन तू ठीक तो है ना। अरे समित भैया एक बार तुम्हारे पीछे देखो। कौन है मेरे पीछे। गाइस बड़ा वाला स्किबिडी टॉयलेट आ गया यहाँ पर। बहुत हुआ तुमने मेरे सेनापति सिंचन को मुझसे छीना, मेरे सेनापति को वापस दो और मेरे इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स को मार डाला तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाग सिंचन यहाँ से, हम इसे नहीं हरा सकते, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, हट यहाँ से। अरे समित भैया भागो भाग सिंचन यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे स्किबिडी टॉयलेट्स को मारकर यहाँ से भाग सकते हो, मैं सिंचन को वापस लेके जाने वाला हूँ। गाइस ये क्या, इसने तो मुझे हवा में उठा लिया और सिंचन को भी। अरे समित भैया मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, ये क्या चक्कर है, इसके पास भी तुम्हारी जैसी पावर्स है। भाई इसके पास हमारी जैसी पावर्स कहाँ से आ गई। अरे समित भैया प्लीज बचाओ मेरे को। अरे समित भैया सिंचन कहाँ गया सिंचन। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ खेल कर, पर मेरा भी बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम्हें मारने का, बाय बाय। ओ गाइस यार ये क्या, यार वो तो सिंचन को फिर से लेके चला गया, इतनी ज्यादा मेहनत से यार मैं सिंचन को लेके आया था और यार वो सिंचन को वापस लेके चला गया, इसका मतलब ये है सिंचन के साथ उसके कुछ अलग ही इरादे हैं। पर यार मैं अभी टीवी मैन बन चुका हूं पर मैं उसे अब भी नहीं हरा पा रहा हूं क्योंकि यार वो सही में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको हराने के लिए मुझे कुछ खतरनाक प्लान बनाना पड़ेगा और उसको ढूंढ के मारना होगा। मैं छोटे मोटे टच पूंजियों को मार सकता हूं इस पावर से, पर गाइस यार वो बड़ा वाला स्किबिडी टॉयलेट है ना, उसके लिए मेरे को बड़ा होना पड़ेगा। चलो गाइस यार टीवी मैन के पास चलता हूं और उसको बोलता हूं भाई ये तो जमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इसे नहीं हरा सकते, सिंचन को भी लेके चला गया भाई फिर से वो। अरे टीवी मैन वो तो फिर से सिंचन को लेके चला गया। ओए लौंडे कौन लेके चला गया। अबे वो बड़ा वाला स्किबिडी टॉयलेट आया था वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर, उसको मैं नहीं हरा पाया। प्लीज यार मेरे को और शक्ति दीजिए जिससे मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं। ओए लौंडे मेरे पास जो शक्तियाँ थी उससे तो मैंने सिंचन को ताकतवर बनाया था, मेरे पास अभी शक्तियों की लिमिटेशन है ब्रो। फिर मैं क्या करूँ, हम उसे कैसे हराएंगे और मैं सिंचन को वापस कैसे लेके आऊंगा फिर, कुछ तो आइडिया तो। ओए लौंडे तेरे को एक चीज ला के देनी होगी मेरे को। क्या चीज ला के देनी होगी।
ओए ऐसी चीज जो घनी खतरनाक हो। अरे कुछ बताओगे तो उसके बारे में? ओए वो मैं बताऊंगा तेरे को, तू टेंशन ना ले। ओ गाइस यार चलो यार जल्दी चलते, मुझे एक चीज लेके आनी होगी। जो भाई टीवी मैन बता रहे बता देना, लोकेशन भेज देना मेरे पास, मैं पहुंच जाऊंगा पर जल्दी चलो गाइस। तो गाइस यार जिस स्पेशल चीज के बारे में टीवी मैन बात कर रहे थे वो असल में एक तरीके की स्पेशल टीवी है जो मेरे को मिलने वाली है रिसर्च लैब के अंदर। और एक सेकंड गाइस वहां पर वो सामने क्या है? यहां पर यार खड़े होकर देखता हूं साइड में है क्या यार वो सामने, एक बार स्नाइपर निकालता हूं। ओ गाइस यार वो देखो सामने की तरफ, वो तो यार स्किबरी टॉयलेट है। और यार ये इंसानों के साथ क्या कर रहे हैं या इन लोगों को यार एक टॉयलेट तो नहीं बनाने वाले? और पर यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि यार देखो इन लोगों ने अपनी बंदूकें भी अंदर रख रखी है। कहीं गाइस यार इन्होंने इंसानों को पटाटो नहीं लिया है कहीं पर? भाई मेरे को ऐसा ही लगता है कहीं इन्होंने यार इंसानों को पटा ही लिया हो। पर गाइस यार मुझे इसके बड़े टॉयलेट्स को मारना होगा और साथ में वो टीवी लाना होगा, स्पेशल टाइप का टीवी जो मंगाया हमारे टीवी मैन ने। लेट्स गो गाइस चलता हूं जल्दी से, अब भी बताता हूं तुम्हें टॉयलेट मॉन्स्टर, तुम लोग इंसानों के साथ जो करना चाहते हो तुम्हारे एक को भी कामयाब नहीं होने दूंगा। गाइस यार यहाँ पर मैंने सभी के सभी टॉयलेट मॉन्स्टर को बना दिया है बर्फ के अंदर, अब इनको तोड़ देता हूँ। ये लो गाइस यार सबको खत्म कर दिया, सारे सारे टॉयलेट मॉन्स्टर को। ये क्या किया तुमने? तुमने हमारे दोस्तों को मार डाला, लगता है तुम ही हो घुसपैठ की। हैं मैं घुसपैठ गया? मैं कहाँ से घुसपैठ गया हो गया? वो असल में टॉयलेट मॉन्स्टर है, वो बुरे है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे मार डालेंगे। गाइस यार ये क्या चक्कर है? मैं लोगों को बर्फ में जमा देता हूँ जिससे ये मरेंगे नहीं, पर यार ये मेरे रास्ते में भी नहीं आएंगे। हाँ गाइस ये सही किया। ओ शिट यहाँ पर तो भाई मिलिट्री वाले आ चुके मेरे ऊपर हमला करने के लिए। ओ नो 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 नो, चलो गाइस यार मेरे को जल्दी से मेरा काम करना होगा, मुझे जल्दी से वो स्पेशल टीवी ढूंढना होगा। जल्दी खुल जाओ, जल्दी खुल जाओ भाई साहब, इन सबको जमा दूंगा। ओ नो 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 गाइस यार ये तो अलग वाली प्रॉब्लम हो गई। भाई टॉयलेट मॉन्स्टर ने तो क्या गेम के लिए सारे इंसानों को मेरे खिलाफ कर दिया है। ओ भाई तो बहुत ज्यादा माइंड गेम खेल रहा है वो स्क्रिप्टेड टॉयलेट, उसको यार हम लोग छोड़ेंगे। सबसे पहले मुझे स्पेशल टीवी ढूंढनी होगी, आखिर वो कहां पर होगी यार? ओ ओ शिट यहां पर दो साइंटिस्ट भी है। अरे कहां जा रहे तू भी? तो गाइस यार मैंने दोनों को यहां पर जमा दिया है। कहां पर है यार स्पेशल टीवी? एक सेकंड यार यहां पर कुछ है यार, मेरे को यही लगती है वो स्पेशल टीवी जिसके बारे में टीवी मैन बात कर रहा था, यही है वो स्पेशल टीवी। तो गाइस यार मैंने यहां पर ले लिया वो स्पेशल टीवी, अब यहां से जल्दी से निकलते बाहर। तो गाइस यार कुछ स्पेशल टाइप की टीवी देख रहे हो, इसकी जो यार ये डिस्प्ले कितनी अजीब सी है यार। ओए लौंडे शाबाश तू तो कमाल का है। अरे मैं तो हुई कमाल का, वैसे ये क्या काम किया है? ओए लौंडे इससे मेरी शक्तियां 10 गुना हो गई, अब मैं तेरे को एक खतरनाक सीसीटीवी बनाने वाला हूँ। क्या सीसीटीवी? ओए हाँ के वो कैसा होने वाला है? ओए जिससे तू बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाऊंगा मतलब? अब देख 2 मिनट रुको, तेरे को मैं बनाता हूँ सबसे ताकतवर। ये ले गाइस। गाइस यार देखो हम लोग कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं। ओ माय गॉड। तो गाइस यार अब मैं हरा सकता हूँ उसके भी टॉयलेट को और साथ में अपने सिंचैन को भी वापस ला सकता हूँ। ये हुई ना कमाल की बात। तो गाइस यार अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो का मैं पार्ट 3 लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो पार्ट 3। और हम लोग अब छोड़ेंगे नहीं टॉयलेट मॉन्स्टर को, सबसे बड़े वाले को, और सिंचैन को वापस लेके आएंगे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बट के आए तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले, जब तक के लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want it, baby.